Hey everyone, it's me Anushka here. So I welcome you all at my channel Anushka Biology 360. So I hope you all are doing very good in your life. So basically, मुझे कुछ messages आए कि दीदी आप पहले अपनी journey का video बनाओ. So I decided कि ठीक है कि लोग सही कह रहे हैं तो पहले मुझे खुद को अच्छे से introduce करना चाहिए, खुद की अपनी journey बतानी चाहिए कि मैंने कैसे सब करा. तो basically मैं नारनौल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपना 11th और 12th जो है वो DAV पब्लिक स्कूल से पूरा किया. ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली को हमेशा ये था कि इसको डॉक्टरी बनाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज़ अ डॉक्टर. तो दे डिसाइडेड टू मेक मी अ डॉक्टर. और उसके बाद सही भी है, उसके बाद जो हैप्पीनेस है वो डबल हो जाती है कि फैमिली में अगर आप अकेले डॉक्टर होते हो तो दैट फील्स रियली प्राउड. ठीक है, तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया. मैंने ड्रॉप आकाश सुभाष नगर जयपुर से लिया था, तो वो ड्रॉप ज़्यादा सही गया नहीं. मतलब ऐसा नहीं कि ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, सारी चीज़ें ठीक थी, बट सिलेक्शन होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उससे 30-40 थोड़ा सा कम ही हुए. तो फिर पेपर देने के बाद आई वॉज रियली अपसेट. तो मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं होगा, ना ही हम करेंगे अब, कोई बात नहीं, हम टीचर बनेंगे. मतलब फ्रॉम बॉटम टू माई हार्ट कि मुझे टीचर ही बनना था. मुझे बचपन से ये था कि भाई जैसा टीचर फील करते हैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू फील दैट थिंग. तो मेरे को बचपन से टीचर बनना था, बट फैमिली के प्रेशर के कारण मैं इस लाइन में आ गई. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस होने चाहिए. मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो मतलब नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है. सो यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी. मतलब मुझे बहुत ये था कि मेरे को नहीं बनना डॉक्टर, अब मेरे से नहीं होगा. मैंने सीधा जाके मना कर दिया था मम्मी पापा को. बट फिर ऐसे कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ करा कि अगर हम उनको जाके ऐसा कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, बट वी आर नॉट एट दैट एज, जिस एज पे हम लोग ये सारी बातें कह सकते हैं. ठीक है, अपने पेरेंट्स को, मतलब वो लोग अपनी उम्र का कितना ज़्यादा वाला हिस्सा हम लोगों के ऊपर खर्च कर देते हैं बिना ये सोचे कि हम लोगों को अपनी लाइफ कैसे जीनी थी. वो डिफरेंट होगा एकदम. ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा सा फील किया. फिर मैंने फिर से कहा कि ठीक है, मैं करूँगी. तो फिर मैंने लगातार शुरू से प्रिपरेशन एकदम अच्छे से तैयार रखी. तो फिर मैंने दूसरा ड्रॉप लिया आकाश वैशाली नगर जयपुर से ही. तो मतलब मेरे पेरेंट्स नारनौली रहते थे, मैं वहाँ मेरे मौसी के पास रहती थी. ठीक है, तो फिर रोज़ आना जाना था. मतलब मैं डेली ऑफलाइन ही लेती थी, रेगुलरली क्लासेस जाती थी. तो शुरू में मतलब धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो सब अच्छा गया. रेगुलरली क्लासेस ली, रेगुलरली जितना पढ़ाया उतना पढ़ा, जितना चैप्टर करवा दिया मतलब उतने उसके क्वेश्चन करते जाओ साथ साथ. फिर ज़्यादा दबाव सा नहीं रहता बच्चे के ऊपर, मतलब आराम से इजीली यू कैन स्मूथली स्टडी. ठीक है, तो फिर वैसा सा रहा, सारे टेस्ट रेगुलरली दिए. बट फिर बाद में थोड़ा थोड़ा प्रेशराइज बढ़ गया. मतलब फिर ज़्यादा सिलेबस था तो जल्दी जल्दी ख़त्म करवाना था, टेस्ट की जो डेट है वो भी आ चुकी थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो गया. फिर मैंने अपना रात वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया. मतलब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर कोई रात को पढ़ रहा है तो आप उसको देख के रात को पढ़ो, या फिर कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है तो आप उसको देख के सुबह जल्दी उठ के पढ़ो. डोंट डू दैट, ये बिल्कुल गलत है. मतलब आप लोग किसी को देख के ये चीज़ मत अपनाओ अपने अंदर. ठीक है, आपका शरीर जिस तरीके से आपका साथ दे वो चीज़ करो. अगर आपको सपोर्ट कर रहा है रात को जगने में तो रात को जग के पढ़ो. अगर नहीं कि भाई रात को नहीं जगा जा रहा है, हमसे बीमार हो गए, वो चीज़ तो फिर ज़्यादा गलत हो जाएगी. फिर अगर सुबह उठा जा रहा है तो सुबह उठो, और दिन में अगर तुम एफिशिएंटली पढ़ सकते हो तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की. मतलब ये ध्यान रखो 8 घंटे तुम अपने दिन का आराम से सेल्फ स्टडी को दे सको कोचिंग के बाद. ठीक है, तो वो चीज़ फिर चाहे तुम रात को करो, फिर चाहे तुम सुबह जल्दी उठ के करो. मैं नहीं कहूँगी कि मैंने रात को पढ़ा तो तुम लोग भी रात को जग के पढ़ो, नहीं, वो गलत होगा, वो एकदम थोपना सा हो जाएगा तुम लोगों के ऊपर. तो वो चीज़ नहीं करनी है. जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे वैसा सा पढ़ो. तो फिर टेस्ट से पहले, नींद से पहले एक महीना बचा. फिर इंटेंसिव की सीरीज होती है आकाश में, तो वो टेस्ट लगभग डेली होते हैं, एक दो दिन के बीच में छुट्टी आती है तो वो टेस्ट डेली होते थे. तो मैं बेसिकली एक महीना पहले तो कुछ नहीं करती थी, टेस्ट दिया उसको एनालाइज़ करा, जो जो टॉपिक नहीं आते थे वो टीचर से समझे, वो पूछे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा. PYQ जितना हो सके PYQ तुम उतना करो. PYQ डाटा ऑप्शन सब चीज़ों के साथ तुमको एकदम रटा होना चाहिए. मतलब एक एक PYQ तुमको उसके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आना चाहिए. PYQ को तो इस तरीके से रटना ही पड़ेगा. तो मैं अगर टेस्ट देखूँ, मतलब जो नॉर्मल हमारे टेस्ट होते थे कुछ कुछ चैप्टर्स के, या फिर जो AIATS होते हैं आकाश में, तो वो जो होते थे, मैं बेसिकली सिर्फ PYQ करके ही जाती थी. जितना नोट्स में पढ़ा दिया उतना रिवाइज़ किया, और जितने भी PYQ से उसको फिर से अटैम्प्ट करके वो टेस्ट देने के लिए चले गए. और मतलब एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं. मतलब अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए देखें
तो जो आकाश का पैकेज है उसको पढ़ने की तो ज़्यादा नीड नहीं होती, नोट्स वगैरह में जितना करवाया है उतना पढ़ो, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो सारे पढ़ो और पैकेज में जितने भी सवाल थे सारे सॉल्व करो, बार बार करो, जितनी बार तुमको अच्छे से ना आए उतनी बार वो टॉपिक करते जाओ, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखें तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तुमको डीपली ही पढ़नी है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते जाओ करते जाओ। बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी निचोड़ रखी थी क्योंकि ना उसकी एक स्पेशलिटी है, उसमें सारे साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी, कौन से सन में करी, सारे ईयर्स किस चीज़ पर डिस्कवरी करी, देन क्या डिस्कवर करा उन्होंने, वो सारी चीज़ें एक साथ दी हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, क्लासिफाई किस किस में करा हुआ है, वो सारी चीज़ें एक साथ दी हुई हैं, तो उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा काफ़ी हेल्प करा। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी निचोड़ रखा था। एनसीईआरटी जितनी बार हो सके तुम बार बार पढ़ो, मतलब हाँ शुरू में बोरियत होगा बट उसको सेम इंटेंसिटी से पढ़ो, ऐसा नहीं है शुरू में हम चार लाइन लगातार पढ़ रहे हैं फिर दो पे आ गए फिर एक ही लाइन पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, जस्ट डोंट डू दैट। उसको ना लाइन टू लाइन पढ़ो, थोड़ा सा बोरियत होगा कोई बात नहीं बट पढ़ते जाओ, खुद को समझाओ, खुद के टीचर खुद बनो, तुम्हें खुद से अच्छा कोई नहीं जानता तो तुम्हें खुद से अच्छा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। और जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, जो भी तुम जिस भी तुम कोचिंग में कोचिंग कर रहे हो उसके ऊपर अपना 100% भरोसा रखो कि ये जितना हमें करवा रहे उतना ही पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपना पैकेज रखो, एनसीईआरटी रखो, ख़त्म, ठीक है। और अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारा कंटेंट लिमिटेड ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नीट पास आया, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थी सच बताऊँ तो, मैं गई पेपर देने तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस तो सभी होते हैं तो मैं भी हुई। तो फिर पेपर हाथ में आते ही मैंने सोचा, मेरे को एक टीचर ने बहुत पहले कहा था कि अनुष्का अगर तेरा नीट नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, तो मैंने वो चीज़ याद करी और फिर मैंने अपना पेपर खोला और मैं आराम से हंसते हंसते पूरा पेपर अटैम्प्ट किया। फिर मेरा जो टीचर थी वो बार बार प्रवोक कर रही थी कि एमआर भरो, वो मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था बट फिर बाद में था कि वो ठीक है, वो सही कह रही थी क्योंकि 20 मिनट में फिर OMR भरी नहीं जाती, थोड़ा सा अंडर प्रेशर फील करते हैं टाइम के। तो फिर मैंने पहले OMR भर के जल्दी से पेपर ख़त्म किया, तो फिर टाइम पे पेपर ख़त्म हुआ और फिर मैं बाहर गई तो मतलब ऐसे हंसते हंसते गई और मैंने बोला मम्मी आपकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी अब। सो आई फेल्ट रियली हैप्पी जब मैंने ये सब कहा, तो फिर ऐसे बेसब्री से इंतज़ार करते करते रिज़ल्ट का दिन आया। तो रिज़ल्ट मतलब रात को तो आया ही था, तो मैंने मम्मी को बताया नहीं कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो फिर मैंने रिज़ल्ट देखा जल्दी से, ठीक है मेरा क्लियर हो चुका था। फिर मैंने बोला मम्मी सेलिब्रेशन की तैयारी करते, फिर मम्मी बोली क्यों, फिर मैंने कहा रिज़ल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया, मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। तो उन्होंने कहा बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस, तो मेरे को जो मतलब जो हैप्पीनेस थी उनके फेस पे देख के वो बहुत डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल सब हो गया था, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं उस टाइम पे। तो मतलब जितना भी हार्ड वर्क था पहले ड्रॉप का, सेकंड ड्रॉप का, 11th 12th, जितना स्ट्रगल था, डिप्रेशन था, सब चीज़ें साइड में होकर सिर्फ थी तो क्या हैप्पीनेस थी, अब और कुछ नहीं। फिर हम लोगों को आकाश में बुलाया सेलिब्रेशन के लिए, तो वो मोमेंट भी बहुत सारा सब कुछ बहुत होलसम सा था। तो फिर मैं और मम्मी गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को एप्रन बनाया मम्मी के आगे, दैट मोमेंट वॉज एवरी थिंग फॉर मी, मतलब जितना भी हार्ड वर्क था वो सारा पे ऑफ कर गया उस टाइम पे। और फिर उन्होंने मेरे को एक चॉकलेट का डब्बा भी गिफ्ट करा, सो मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही डांस वांस हुआ, फिर एक रोड शो था वो अटेंड किया, फिर उसके बाद हम लोग वापस फिर घर आ गए थे। तो फिर मैंने यूट्यूब का इसलिए सोचा क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे को एक ऐसा टीचर चाहिए जो मेरे को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा दे, ऐसा सच मेरे को ऐसा कोई टीचर मिला नहीं। मतलब मेरे को भी एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बोरियत होती थी, तो मैं सोचती थी कोई लेक्चर पढ़ाएगा तो मेरे पास ये रहेगा कि मेरे को भी पढ़ना है साथ साथ, मतलब बुक के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, पर मेरे को ऐसा कोई टीचर मिला नहीं तो मेरे को खुद से पढ़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मेरा नीट हो जाता फिर मैं करूँगी ये वाला काम, तो फिर इसीलिए मैंने ये काम शुरू करा कि मैं मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा सकूँ बच्चों को, ताकि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई मे बी तुम लोगों को नहीं होती होगी बट किसी को तो होती ही होगी, तो वो प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, तो अगर एक भी बच्चा ढंग से मेरी वीडियो देख के ढंग से पढ़ रहा है और उसके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन है तो मेरे को बहुत प्राउड फील होगा खुद के ऊपर। तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा और फिर उसी पे मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगी अभी तो लाइन टू लाइन। हाँ शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, जैसे टूल्स वगैरह और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मेरे पास कम है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट पढ़ाने में कोई मैं एफर्ट की कमी नहीं छोड़ूंगी, मतलब जितना मुझसे हो पाएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं लगा के दूंगी। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एक बार ट्राई करना, पढ़ के देखना, लोगों को शेयर करना, मतलब एडवाइस करना जो भी नीडी लोग हैं, जो भी पढ़ सकते हैं,
एक बार तो ट्राई करके ही देखना. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.